गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, थर्ड स्टैंडर्ड का आज हिंदी का लेक्चर है। हिंदी दिवस की सबसे पहले आपको सबको शुभकामनाएं। आज का हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस सब जगह मनाया जाता है। हिंदी दिवस एक ऐसा है, हिंदी भाषा का उच्चारण जहाँ पे ज़्यादा होता है उस दिन को हिंदी कहते हैं। वैसे तो हम हमेशा ही बोलते हैं, हिंदी में ही बोलते हैं, हिंदी में ही आपके नोट्स मिलते हैं, जो भी काम है, जो रिटर्न वर्क है, बहुत सारे हिंदी में ही होते हैं। हिंदी दिवस का ऐसा है कि जैसे स्कूल में आप आते थे तो हम टीचर्स के टीचर्स बोलते थे आपको निबंध लिखिए या कोई एक हिंदी में पोएम सुनाइए, मतलब कविता सुनाओ या जो भी कुछ है हिंदी का हो जाता था। लेकिन अब ये नहीं हो रहा है तो मैं आपको हिंदी दिवस के बारे में कुछ आपको मैं आपको जानकारी दूंगी। हिंदी दिवस ऐसा है कि हिंदी एक विषय ऐसा है कि इसे लिखना हार्ड है, बोलना एकदम इजी है। हम एकदम सरलता से हिंदी बोल सकते हैं लेकिन लिखना उतना ही कठिन है। हिंदी में ऐसे होता है जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है हिंदी, ये एकदम फटक से हो गया है, लेकिन ये हम लिखते हैं तो इसमें हमारी बहुत सारी गलतियाँ टीचर्स भी निकालते हैं, क्योंकि डॉट नहीं लगाया, बिंदु नहीं दिया, ये लाइन यहाँ पे खींच दी, ये लकीर यहाँ नहीं खींची, शुभकामनाएं के नीचे उकार नहीं दिया हमने। ऐसी छोटी मोटी गलतियों से हिंदी हमारी रॉन्ग हो जाता है। ऐसा हमारा इंग्लिश में नहीं होता है, क्योंकि वो लेटर स्मॉल कैपिटल लेटर फर्स्ट लिख के बाद आगे स्मॉल लिखना है तो वो फटाफट हो जाता है। हिंदी बोलना जितना आसान है उतना समझना सब आसान है, लेकिन लिखना उतना ही मुश्किल है। आपने देखा होगा हिंदी के अखबार भी आते हैं, न्यूज़पेपर आते हैं, बहुत से घरों में न्यूज़पेपर आते हैं ना। आप लोग पढ़ते नहीं हो लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। हम इंग्लिश का तो हमेशा ही पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, न्यूज़ देखने के टाइम पे देखिए आप, न्यूज़ में भी हिंदी का उच्चार एक एक जो न्यूज़ रीडर करता है, वो जो वक्ता करता है या करती है, इतना साफ उसका उच्चार होता है कि हमें बहुत अच्छा लगता है। हम बार बार में वही न्यूज़ देखते हैं, क्यों? क्योंकि हमें समझ में आता है। सबसे पहली बात हमें समझ में जो आता है वही हम चैनल देखते हैं। हिंदी के चैनल्स भी बहुत हैं, बहुत सारे सीरियल्स सब आते हैं, सब हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है कि सब सुनते हैं और सबको अच्छा भी लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हमें वो समझ में आता है। पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज होता है दूसरा, आपका मदर टंग भी अलग होगा, जैसे मेरा भी अलग है, इसका मराठी मदर टंग है, जैसे ये घर पे मराठी में ही बात करते हैं, लेकिन हम आपस में टीचर्स भी अलग अलग कास्ट के हैं, कोई भी एक कास्ट का नहीं, अलग अलग है। कोई साउथ इंडियन है, कोई महाराष्ट्रीन है, मैं राजस्थानी हूँ, जैसे अलग अलग सब है। लेकिन हम बात कैसे करते हैं, इंग्लिश में या हिंदी में? हम बच्चों से भी कैसे बात करते हैं, इंग्लिश हिंदी, अदर थर्ड लैंग्वेज आती है तो मराठी आता है, क्योंकि ये महाराष्ट्र का है तो इसमें बहुत सारे बच्चे महाराष्ट्र भी है तो हम मराठी में भी बात करते हैं। ओके, तीसरी बात है कि हिंदी का टाइपिंग जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, क्योंकि इसके अंदर एक एक लेटर्स को टाइप राइटर करने के टाइम पे बहुत ध्यान से काना मात्रा को लिया जाता है। जैसे कि हम सिंपल बात बताएं तो हम मोबाइल के अंदर भी इंग्लिश जो मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, टेक्स्ट मैसेज, जो भी डिटेल्स है वो फटाफट हो जाता है। लेकिन हिंदी का ऐसा है कि ये करना है, ये ऐसे उकार देना है, इसे मतलब डॉट बिंदु लगाना है, यहाँ पे अरे ये भी लाठी देनी है, ये करना है, इसे आ की मात्रा देनी है, ये सब बहुत हार्ड हो जाता है। इसके लिए हिंदी लैंग्वेज बोलना समझना सब बहुत सरलता से हो जाता है, लेकिन लिखना उतना ही कठिन है। कठिन क्यों होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अपने स्कूल में तो जूनियर से ही हिंदी स्टार्ट है, अगर हम बराबर ध्यान देके पढ़ाई करते हैं तो हमें कोई भी तकलीफ नहीं आती है। हमें हिंदी मराठी हो इंग्लिश हो सब सब्जेक्ट हमारे एक जैसे लगते हैं, क्योंकि हमें लिखना आता है, पढ़ना भी आता है। हिंदी पढ़ने के लिए भी आपको बुक खोलना चाहिए, बुक का जो कविता है वो पढ़नी चाहिए। अगर हम समझ रहे हैं हाँ ये पीला कलर है, लेकिन हमें पीला लिखना आता है क्या? नहीं, तो वो हमें लिखना सीखना है। पीला को कौन सी मात्रा रहती है, सीधी रहती है, उल्टा रहता है, फर्स्ट लाइन रहता है, सेकंड लाइन रहता है, काला कपड़ा लिखा है तो आ की मात्रा कहाँ पे जाएगी, ये सब आपको आएगा तो ही आप आगे जाएंगे। थर्ड स्टैंडर्ड में आपको सब यही सब कुछ दिया हुआ है, आपको फर्स्ट सेकंड में इतना नहीं था, सिंगल वर्ड थे, जैसे हमने द्वितीय व्यंजन किए थे, संयुक्त व्यंजन किए थे,
लेसन पढ़ा था आगे का, इसके अंदर भी सब है काना मात्रा, वो उसी के हिसाब से होता है। हिंदी का हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी है वो भाषण भी अधिकतर हिंदी में ही देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हिंदी एक भाषा ऐसी है कि वो सबके समझ में आती है। अगर इंग्लिश में देते हैं तो उनका ट्रांसलेशन भी बैठा रहता है, वो हिंदी में आपको गाँव गाँव में कई जगह जाते हैं हम लोग तो पता नहीं रहता है, तो उनका ट्रांसलेशन साथ में वो करके बताता है कि इन्होंने ऐसे कहा। हिंदी में भी ऐसे हो जाता है कि कोई कोई शब्द हमें समझ में नहीं आते तो हम उसको पूछते टीचर इसका मतलब सब टीचर आपको डिक्टेट करके दे। हिंदी एक बहुत अच्छी भाषा है, मैं हिंदी की टीचर है आपकी, आपको भी अच्छा लगता है मुझे भी अच्छा लगता है। ओके, नेक्स्ट पीरियड में हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।